अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप खुश रहें, आबाद रहें। मैं बना रही हूँ भरथा, बैंगन भरथा। तो ये जी मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट और बारीक वो क्या होते हैं जी टमाटर, वो काट के डाले हैं। और मेरा चम्मच, मेरा वो जो लकड़ी वाला चम्मच है ना, वो लियाज वाले दिन गुम हो गया था, वो नहीं मिल रहा मुझे, तो इसलिए फिर मुझे ये स्टील का चम्मच इसमें हांडिया में मिट्टी के हांडे में यूज़ करना पड़ रहा है। सॉरी, तो सुबह भी एक बहन ने मुझे बोला था कि आप ही आप वो लकड़ी वाला जो चम्मच है वो यूज़ क्यों नहीं कर रहे। तो मसला यही है कि जी चम्मच जो है वो गुम हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे नियाज वाले दिन, काफ़ी लोग थे हमारे घर में, तो इसलिए वो पता नहीं कहीं बर्तनों में कहीं पड़ा है या टूट गया है, मुझे नहीं पता उसका। मैंने तलाश भी किया लेकिन वो मुझे नहीं मिला। वो बैंगन जो है वो मसाला जो है, बाकी वो अब मैं डालूँगी इसमें जब ये बिल्कुल रोस्ट हो जाएंगे, तो बाकी मसाले मैं अब डालूँगी। हाँ, इसको बंद करते हैं। बैंगन जो है वो मैंने निकाल दिए हैं इसमें से, क्योंकि पहले मैं बैंगन को जो है ना वो पानी में उबाल लेती हूँ, तो बाद मेरी बहन जो है वो जला के बनाती हैं, भून के मतलब ये कि भून लेती हैं उसको, भूनना होता है तो उस पर आग पे भून लेती हैं, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो जला जला सा आता है, जायका होता है वो जला सा होता है, लेकिन ये जो उबाल के बनाना होता है ये अच्छा होता है, फ्रेश फ्रेश सालन लगता है। तो पहले मैंने उसको उनको बैंगन को उबाल लिया पानी में, अब पानी में से निकाल के मैंने दूसरे पानी में डाला है, ठंडे हो जाएँ तो फिर उसमें से मैं वो जो है छिलका वगैरह उतार के फिर उसको मैं कूट लूँगी, फिर इसमें ऐड करूँगी। ये जो है भून चुका है तकरीबन, मैं जिसको मैं बोलूँगी, अभी तक मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। अब डाल रही हूँ जी गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, गरम मसाला, फिर खुश्क पुदीना, तो मौसम तो है नहीं मिल रहा है, मैं बोलूँगी मज़ीद मैं इसको भूनूंगी, क्योंकि टमाटर जो है वो वैसे ही है जैसे मैंने डाले थे ना, हल्का सा उनमें कुछ चेंज हुआ है, लेकिन जब ये बिल्कुल ही रोस्ट हो जाएंगे ना टमाटर और बाकी अदरक लहसुन पेस्ट, तो फिर मैं इसमें वो मैंने कूट के रखे है बैंगन का भरथा बना दिया है मैंने, फिर इसे डालूँगी। ये है जी बैंगन का भरथा जो मेरे इसमें सिलबट्टे पे इसको मैंने कूटा है, सुविधे जो है वो बैंगन डाल दिए हैं देखिए, और इसको बहुत ज़्यादा भूनूंगी मैं, इतना भूनूंगी कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल ही बादामी रंग के आ जाएगा। हाँ, तो मैं बताना भूल गई, आज मैं वर्क पे जब गई थी तो नहीं बना सकी व्लॉग, सॉरी, उसकी वजह ये थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार नज़ला खांसी, इसमें जो है मैंने मिर्ची डाली है, गरम मसाला, हल्दी पाउडर,
नमक डाला है और ये डाला है इसमें मैंने खुश्क पुदीना। ये जी सालन जो है बर्थडे का वो तैयार हो गया है, ये देखें बहुत ही टेस्टी नज़र तो आ रहा है कि टेस्टी बना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता जायके का, ज़ुकाम बुखार और खांसी की वजह से मुझे नहीं पता चला। तो ये जी बन गया है, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह आपको खुश रखे, आप आबाद रहें, खुश रहें अपने घरों में और हमेशा दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी दुआएं जो हैं हर टाइम हर पल हर कदम आपके साथ हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आप आबाद रहें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, लाइक कर लिया, लेकिन अल्लाह जाने ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना तो नहीं करना, करना है तो कर दिया करें, नहीं करना है तो ना किया करें, कोई जबर तो नहीं है किसी से। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह आपको खुश रखे, आप आबाद रहें। इल्तवा से दुआ, अल्लाह हाफिज़। आज मेरे बेटे ने कहा मम्मा घर में बनाते हैं नीम को, तो जी अब मैं बना रही हूँ नीम को। तो नीम को के लिए ये मैंने 3 चम्मच जो है वो इस ये किसान है कौन सा है गुलनाज ये ऑयल डाला है मैंने, और 3 चम्मच ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है, 3 चम्मच ऑयल और 3 चम्मच पानी। अगर बीटर हो तो बीटर से भी आप इसको बीट कर सकते हैं, वरना मैं तो चम्मच से ही कर रही हूँ, मेरा बेटा भी साथ में कर रहा है। चलो चलाओ इसको। और उसके बाद जी ये मेरा बेटा जो है वो बीटर से कर रहा है, इससे चम्मच से हिला रहा है इसको। गुड, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो इसके बाद जो है अब मैं इसमें गरम मसाला और जो जो चीज़ें हैं नमक है हल्की सी मिर्ची डालूंगी, क्योंकि मेरे बेटे का गला जो है वो ख़राब है, तो हल्की सी मिर्ची डालूंगी, फिर उसमें ये मैं बेसन को ऐड करूंगी, और उसके बाद जब मैं स्टार्ट करूंगी बनाना तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अब जो है ना वो कैंप पकड़ने वाला है, कोई नहीं कि वो कैंप पकड़े। मैं अब जो इसमें डालूंगी क्या है भला, बेसन और ये सारे मसाला जात, और अगर कम पड़ गया तो फिर इसमें मैं पानी भी ऐड करूँगी। तो उसके बाद ही मैं आपसे मिलती हूँ। अब ये जो है मैं आधा घंटे के लिए इस डो को बना के रख दूँगी, ढक दूँगी, मेरे हाथ भी सारे हो गए हैं। तो उसके बाद जो है आधा घंटे के बाद इसमें थोड़ा सा हाथों पे तेल लगा के ना फिर मैं इसको देखूँगी, चेक करूँगी, फिर इसको मैं तेल में डालूँगी। ये घी को मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है और इसको मैंने ग्रीस कर लिया है घी से, क्योंकि मेरे पास जो है वो बोतल जो है वो कटी हुई नहीं है, तो मैं इससे कद्दू वाले वो उससे मैं कर रही हूँ। सॉरी, घी को आप चेक कर लें, जब गर्म हो जाए तो उसकी आंच को आप लें बिल्कुल ही धीमा कर देना है। चल रहा है ध्यान से, नीमको जो है वो बन गई है। तो इसमें आप आमचूर पाउडर जो होता है वो भी डाल सकते हैं आप, बिल्कुल खस्ता बनी है, देखिए आवाज़ भी आ रही है इसकी।
टुकड़े, तो आप वो भी डाल सकते हैं और बाकी जो भी आपको मसाले में अच्छा लगे तो आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जी बन गई है, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, मुझे बहुत जल्दी है आज, तो मैंने जाना है आज वर्क पे, और वर्क के लिए मैंने अभी तैयारी भी करनी है, चेंज करना है, और मेरे बेटे की ज़िद थी कि मुझे नीमको अभी बना के दी, अभी चाहिए मुझे, क्योंकि वो टीवी पे एक प्रोग्राम चला है, सरेआम की टीम थी, पता नहीं कौन था किसका प्रोग्राम, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरे बेटे ने देखा, मैं टीवी नहीं देखती, तो कहते हैं कि मम्मा वो उसमें ना वो जो नीमको बना रहे थे गंदी चीज़ें उसमें डाली हुई थी, उन्होंने मरी हुई मुर्गी डाली हुई थी, ये डाला हुआ था वो डाला, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अब नहीं खा रहा बाज़ार की नीमको, तो अब जो बच्चे रह भी नहीं सकते नीमको के बगैर, तो ऐसी चटपटी चीज़ें तो बच्चे खाते ही रहते हैं, तो मेरा बेटा भी खाना कम खाता है, ये चीज़ें ज़्यादा खाता है, रोकती भी बहुत हूँ उसको, लेकिन वो नहीं मानता। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह को खुश रखे, आप सलामत रहें, आबाद रहें, और हमेशा अपने अपने घरों में खुश रहें। मैं जा रही हूँ वर्क पे, तो हम